मैमान चीमा वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी आज के स्टूडियो में कैपिटल स्मार्ट सिटी की व्यू कमर्शियल के बारे से अपडेट करने की कोशिश करूँगा और ये वीडियो जो है एंड ऑफ डिसंबर 2022 की है और इसके बाद मैंने एक और वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है जिसमें आपको सात दिन का डिफ्रेंस देखने को मिल जाएगा कि एक्जेक्टिव ब्लॉक में लेक व्यू कमर्शियल जो लॉन्च किया था रिसेंटली सोसाइटी की तरफ से जिसमें दो साइज की कटिंग थी एक थी आठ मला कर्मर्शल प्लॉट जिनकी बेस प्राइस थी थ्री पॉइंट टू फाइव करोड़ विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस और एक थे चार मला कर्मर्शल जिनकी बेस प्राइस थी वन पॉइंट नाइन फाइव करोड और सोसाइटी की तरफ से इसको दो साल के पेमेंट प्लान पे लॉन्च किया गया था अदर देन बुकिंग एंड कंफर्मेशन अगर 20 परसेंट से करवाते हैं तो आपको लोकेशन चूजिंग का डायरेक्ट ऑप्शन था 10 परसेंट से करवाएंगे तो आपकी बैलेटिंग हो जाएगी अब दो साल का जो पेमेंट प्लान सोसाइटी की तरफ से यहाँ पे लॉन्च किया गया था उसमें ये वाला जो दो महीने एक्स्ट्रा दिए गए थे तकरीबन सवा दो साल का टाइम बनता है तो सवा दो साल के टाइम में सोसाइटी ने जो चीज ऑफर की थी सिर्फ बुकिंग और कन्फर्मेशन पे करने के बाद ही मैंबर्स को इस चीज़ की इजाजत है कि वो अपने प्लॉट पर पोजेशन अप्लाई करके कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं अब ये बहुत ही ज़्यादा एक डिफरेंट स्नैरियो है मार्केट में कि एक प्रोडक्ट हमने लॉन्च की और उसकी इंस्टॉलमेंट पहली इंस्टॉलमेंट ड्यू होने से पहले लेट से मेरे क्लाइंट्स की और का पे करते हैं, तो आप पे करने के साथ सोसाइटी के डेवलपमेंट चार्जेस पे फिफ्टी परसेंट का ऑफ भी ले सकते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन मेंबर्स के लिए गोल्फ कोर्स के सामने अपना प्लाजा कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं अब इस रोड की इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि रोड जो है वाहि रोड है जो चक्कर थ्री रोड और चार सौ फिट रोड की जो इंटरचेंज है और यानी कि मेन एम टू मोटरवे पर इंटरचेंज है उसको तो कनेक्टिव प्रोवाइड करता है और इस रोड की खासियत ये भी है कि इस रोड पर जितने प्लॉट्स हैं जितने ब्लॉक्स हैं या सेक्टर्स हैं वो तमाम के तमाम डेवलप्ड हैं और पोजेशनेबल हैं और इस रोड के राइट साइड पर यानी कि जहाँ पर आपको लेक व्यू कमर्शल नज़र आता है इसके अगर ईस्ट साइड की बात करें राइट साइड पर तो वहाँ पर आपको एक ब्लॉक प्रॉपरली पोजेशनेबल मिलता है जहाँ पर एटलीस्ट कम से कम 200 से 250 सौ विलाज हैं सोसाइटी की तरफ से इट्सल्फ पाँच मला के कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं और इन विलाज के साथ साथ यहाँ जब सामने वाली साइड पे देखेंगे तो गोल्फ कोर्स के विलाज भी लॉन्च होंगे वो मैं आगे जाके गूगल अर्थ की लोकेशन ऐड करता हूँ तो मैं आपको वो चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँगा तो ओवरऑल सोसाइटी की तरफ से एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च किया गया था बट रीजनेबल प्राइस में अगर आठ मला का प्लाट देखें सवा तीन करोड़ तो जो प्लाट की प्राइस बनती है तकरीबन चालीस लाख पर मरला से नीचे बनती है और सोसाइटी इस चीज़ को फ्यूचर में जाके मैंबर्स को इसका फायदा ऐसे होगा कि लेफ्ट साइड पर आपको चार फुट रोड है सामने जो पूरी सोसाइटी की सबसे ज़्यादा जो नमाजी जमा होंगे बरोज जुमा और पांच वक्त भी ग्रैंड जामिया मॉस्क भी है और सामने गोल्फ कोर्स भी है और लेफ्ट साइड पर चार सौ फुट रोड गोल्फ कोर्स बैक साइड पर लेक राइट साइड पर एग्जैक्टिव ब्लॉक भी फिर सिल रिवर सिल रिवर के साथ ब्रिज और ब्रिज को क्रॉस करने के बाद सीधा ओवरसीज प्राइम वन में जहां भी अभी सोसाइटी तमाम ब्लॉक्स का मां सिवाय जे के और एम ब्लॉक के प्रोजेशन ऑफर कर चुकी है तो इन प्लॉट्स के साथ जाहिर सी बात है इस प्लॉट की जो लोकेशन है इस ब्लॉक की लोकेशन वो बड़ी अच्छी तरीके से समझ आती है कि आपको जो प्रोडक्ट मिल रही है उस पर फुटफॉल जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा स्मार्ट सिटी जब आबाद होगा यहाँ पे तो सबसे ज्यादा फुटबॉल फुटफॉल होल्ड करने वाला जो ब्लॉक होगा उसका नाम होगा लेक व्यू कमर्शियल जहाँ पे आठ मिला और चार मिला कमर्शल्स हैं अब आता है सेकेंड क्वेश्चन के लेक व्यू कमर्शियल से अगर आप देखना चाहिए ओवरऑल इन जनरल मेरे दिन में वैसी बात आ गई है बैक साइड पर अगर आप देखें तो बड़ी अच्छी आपको सीनिक व्यू मिलता है जब ये सोचें यहाँ पे पचास या साठ फुट की बिल्डिंग बनी होगी ग्राउंड प्लस फोर या ग्राउंड प्लस फाइव का प्लाजा बना होगा तो सामने गोल्फ कोर्स होगा राइट साइड पर आपको सारे पहाड़ों का व्यू मिलता है बैक साइड से सारा लेक का व्यू मिलता है और लेफ्ट साइड से आपको चार सौ फुट रोड प्लस एम टू मोटरवे का व्यू मिलेगा तो बहुत ही अच्छी लोकेशन के साथ ही बनता है अब आते हैं दूसरी बात पे कि, कि कंस्ट्रक्शन के बायलॉज के हवाले से अगर पूछा जाता है कि यहाँ पे चार मरला पर कंस्ट्रक्शन कितनी अलाउड है और आठ मरला पे कंस्ट्रक्शन कितनी अलाउड है, है तो आमतौर पे प्रीवियसली राहुल पिंड इस्लाबाद के डोमेन में जो भी प्रोजेक्ट होते हैं उन पर जो सोसाइटी की तरफ से जो आर की तरफ से ऑफिशियल हाइट परमिसेबल है दैट इज सिक्सटी फीट और सिक्सटी फीट से मुराद रहा दिए कि ग्राउंड प्लस फाइव की बिल्डिंग आप आठ मरला पे और इतनी ही आप चार मरला पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अगर आप दो प्लाट जोड़ के बनाते हैं तब भी आपको इतनी हाइट मिलेगी अगर आपके प्लाट तीन प्लॉट जुड़ते हैं आठ आठ मरला के तीन माइन प्लॉट पे बनाते हैं तो फिर आपको हाइट ज्यादा परमिसेबल होती है क्योंकि कनाल के केस में यानी 500 गज से ऊपर का अगर प्लॉट होता है 2000 गज से नीचे का होता है तो ग्राउंड प्लस एट की परमिशन आपको मिलती है तो ये इन जनरल जो मेंबर पूछते थे कि हम इस पर कंस्ट्रक्शन कितनी कर सकते हैं तो बेसमेंट ग्राउंड उसके अलावा आप ग्राउंड प्लस फाइव फ्लोर्स जो है आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं टोटल सिक्सटी फीट की हाइट के साथ तो आपको जो रेंट मिलेगा वो मिलेगा तकरीबन आपको सात फ्लोर्स का तो किना आठ मरला का प्लॉट आप लेंगे लेकिन अब अगर आठ मरला को सात से मल्टीप्लाई करते हैं तकरीबन आपके पास जो रेंट आउट आएगा रेंट आएगा वो फिफ्टी फोर मरलाज का आएगा तकरीबन दो कनाल से ज़्यादा तो एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट है इन टर्म्स के फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें कि जाके आपको कैसे बेनिफिट करेगा अब मैं गूगल अर्थ लोकेशन को बाकी का पार्ट इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कैपिटल स्मार्टी का मास्टर प्लान देख सकते हैं मास्टर प्लान में जो आज की वीडियो जिस पॉइंट के हवाले से हैं। उस है उस पॉइंट का यहाँ पे लोकेशन एग्जैक्ट अब मैं आपको इस पॉइंट की लोकेशन मेन एम टू मोटरवे से भी कंपेयर कर देता हूँ कि कितना डिस्टेंस बनता है एंड ओवरऑल जो साइड के चार साइड्स बनती हैं वो मैं आगे जाकर वीडियो में एक्सप्लेन कर देता हूँ सबसे पहले देखते हैं जी साइड का चार सौ फिट रोड पर प्रॉपर्ली जो एम टू मोटरवे पर है तकरीबन साढ़े तीन सौ साढ़े तीन किलोमीटर के फासले पर है और इस तरफ से हम देखते हैं अगर चक्री रोड से देखें तो आपका डिस्टेंस जो बनता है मास्टर प्लान पे दैट इज़ अराउंड 2.59 या 2.60 किलोमीटर का बनता है डिस्टेंस एक तरफ साढ़े तीन किलोमीटर और एक तरफ ढाई किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है आपका पब्लिक रोड से कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैं आप थोड़ा मैं लाइट कर दूँ ताकि मैंबर्स के साथ क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल सके सामने वाली साइड पर अगर देखें गोल्फ कोर्स है डिस्टेंस तो 0.31 किलोमीटर का यानी कि 300 मीटर की रेंज में सारा गोल्फ कोर्स है बैक साइड पे सारा इसके आ जाता है आपके आ, जो है हारमी पार्क कमर्शियल की बैक साइड पे लेक कमर्शियल की बैक साइड पे जो ये प्रोडक्ट बनता है ये सारी लेक है जिसकी यहाँ पे आप कलवर ड्रा की जा रही है बनाई जा रही है तो ये ओवरऑल लोकेशन का डिस्टेंस हो गया ओवरऑल अब चार साइड्स की अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ की तो नॉर्थ साइड पे से गोल्फ कोर्स है जो कि एक्जेक्टिव ब्लॉक पूरे को बहुत एडवांटेज मिलेगा क्योंकि एलिवेशन एजेक्टिव की बहुत अच्छी है अगर हम बात करें ईस्ट साइड पे तो सिल रिवर है सिल रिवर के साथ पीछे चक्री चक्री रोड निकल जाता है एक्सेस वन रोड से अगर हम बात करें वेस्ट साइड पर तो चार फुट रोड है और चार फुट रोड से आगे एम मोटरवे पर इंटरचेंज बन जाता है जिसकी अभी साइड पर प्रॉपरली डेवलपमेंट यहाँ पर हो भी रहेगी और साइड विजिट करें तो आपको बड़ी अच्छी यहाँ पर सीनिक व्यू मिलेगा साइड पर अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है अच्छा जी नेक्स्ट साइड हैं बैक साइड पे वेस्ट साइड पे नॉर्थ सॉरी साउथ साइड पे तो साउथ साइड पे इसकी एक्सैक्टिव ब्लॉक ही है प्लस बैक पे ये डैम लेक बनती है जिसका डायरेक्टली इस लेक के साथ लिंक है ये जो आपको पानी की स्ट्रीम नज़र आ रही है ये कलवर्ट है जो चार सौ फीट रोड के नीचे से होते हुए रेन वाटर जितनी हारवेस्टिंग होगी वो इन स्पॉट्स पर होगी ताकि मेंबर्स को फ्यूचर में यहाँ पे पानी की किल्लत का सामना ना करना पड़े क्योंकि ये लैंड सारी पानी के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्मार्ट सिटी की एक अच्छी बात यह कि उन्होंने लैंड वो चूज़ किए जहाँ पे नेचुरल वाटर रिसोर्सेज ज़्यादा यानी आपको बोर करने की इजाजत भी नहीं घर पर जरूरत भी नहीं है तो आपके घर पर सोसाइटी का ऑफिशियली सप्लाई का पानी आ रहा है तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उन मेबर्स के लिए जो स्मार्ट सिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने फ्यूचर को देखते हुए अगेन बैक ट्रेल टाइम फुटेज फोटेज स्क्रीन पर दोबारा वही जो कैपिटल स्मार्ट सिटी में लेक व्यू कमर्शियल की साइड है और अपोजिट साइड पर जो कोर्स की साइड है प्लस जो एक्सेस वन रोड है उसकी फुटेज देख सकते हैं एंड ओवरऑल इस जगह पे आपको जो डेवलपमेंट काम है वो क्लियरली नजर आ रहा है अब जो रोड की दूसरी तरफ है अगर आपको एग्जैक्ट छह महीने पहले की फुटेज मेंबर, को पुराना फॉलो कर रहे हैं तो यहां पर आपको बड़ा पहाड़ी सिलसिला मिलता था यहाँ मतलब पथरीले पहाड़ होते थे और अभी आपके सामने लैंड है कैसी लैंड हो गई है तो फ्यूचर में इसके साथ रिटेनिंग वॉल भी बनाई गई है ताकि कोई लैंड स्लिप ना करें तो ओवरऑल सोसाइटी ने इसको बड़े अच्छे तरीके से और बड़े तेज तरीके से काम को कम्प्लीट किया है सो यार दिस वाज इट फ्रॉम डे अगर आपको कैपिटल स्मार्ट स्मार्टियाँ लाहौर स्मार्टी में बुकिंग के वाले से कुछ मालूम चाहिए तो गए नंबर पर रबाता करें इसके अलावा हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें डब्ल्यू 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 डॉट मकान सोलूशन डॉट कॉम अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप कैपिटल स्मार्ट या किसी भी सोसाइटी के वाले से मजीद वीडियोज़ देखना चाहते हो तो कमेंट्स में लाजमी बताएं मैं इंशाल्लाह उस पर भी ट्राई करूँगा ताकि आने वाले दिनों में मैं इस पे वीडियोस बना सकूँ सो so, रिजवान चीमा को दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज